हेलो फ्रेंड, मैं अग्नेश और आप देख रहे हो जीई टेक्निकल। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में थर्मिस्टर एनटीसी या पीटीसी है ये कैसे पहचान कर सकते हैं फ्रेंड, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, कैसे पता करें? ठीक है, थर्मिस्टर किसी सर्किट में लगा है और सर्किट चल रहा है तो ज़्यादा गर्म हो जाता है तो यह आपके रजिस्टर को चेंज कर रहा है। ठीक है, अगर एनटीसी होगा तो वह रजिस्टर को कम करेगा और अगर पीटीसी होगा तो वह रेजिस्टेंस को अधिक कर देता है फ्रेंड। ठीक है, अब मल्टीमीटर से चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 200 ओम पर सेट कर लेंगे। अब मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को थर्मिस्टर के दोनों टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। मल्टीमीटर में 3.6 के पास कुछ मान आएगा। अब आप थर्मिस्टर को किसी गर्म चीज़ से टच कर फिर आप मल्टीमीटर में देख खें उसमें रेजिस्टेंस कम हो रहा है या अधिक हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो वह एनटीसी होगा और अधिक हुआ तो पीटीसी होगा। उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद देखोगे तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू पहले वाली वैल्यू 3.6 के पास ही आ जाएगी। थर्मिस्टर के उपयोग के बारे में बात करें, थर्मिस्टर का उपयोग तापमान को मापने के लिए करते हैं फ्रेंड। तापमान में बदलाव होने के कारण उसकी रेजिस्टेंस में बदलाव होता है फ्रेंड। ठीक है, यह किसी भी सर्किट में तापमान को कंट्रोल करने के लिए उपयोग होता है फ्रेंड। एरिडियन के जेक्ट में यह बहुत उपयोग होता है। यह किसी भी सर्किट में तापमान नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाता है फ्रेंड। फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और कॉमेंट करके बताएँ कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड।